हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज का वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू के तरफ से दिए गए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक और कंप्लीट जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो, राइट? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, एंड बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक जरूर। हम लोग एक एक करके सभी नोटिफिकेशन को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से ग्रेड कार्ड का पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो फिलहाल अभी ग्रेड कार्ड का पोर्टल अभी काम कर रहा है, आप देख सकते हो। और 13 जून 2022 को आपका लास्ट डेट है जो कि ग्रेड कार्ड को अपडेट किया गया है। सो सभी स्टूडेंट्स अपना ग्रेड कार्ड का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ग्रेड कार्ड पिछले कई दिनों से चेक नहीं हो रहा था, पोर्टल जो है वो डाउन चल रहा था, ठीक है। सो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, फाइन। एंड चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जो कि डिफरेंट आरसी की तरफ से रिलीज किया गया है सभी इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको बताया गया है कि अगर आपका प्रोग्राम MAAN का है, देन आपके लिए प्रैक्टिकल का शेड्यूल दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 के लिए रिलीज किया गया है, जो कि नोटिफिकेशन को आप यहां पर क्लिक करके चेक कर पाएंगे। यहां पे रहा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, सभी स्टूडेंट्स का यहां पर डेट और टाइम, इनरोलमेंट नंबर के साथ कोर्स एलिजिबिलिटी भी दिया गया है, फाइन। टाइम स्लॉट फॉर वाइवा वॉइस, क्योंकि ये आपका वाइवा होगा और आपका वर्चुअल मोड में होगा, कब होगा? तो 18 and 19 June को होगा, जो कि आपको यहाँ पर डेट बताया गया है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट दिया गया है, तो जितने भी बैंगलोर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका ये प्रोग्राम है, तो सभी स्टूडेंट इस लिस्ट में अपना अपना नाम चेक कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है, अगर आपका प्रोग्राम MSCCFT का है या फिर PGDCFT का है, देन आपका प्रैक्टिकल 2022 के लिए होने वाला है, जो कि आप यहां पर नोटिफिकेशन को चेक कर पाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देन आप यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहां पर आपको बताया गया है प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल फॉर फर्स्ट ईयर और प्रोग्राम ये डिस्टेंस लर्नर 2021 and 22, राइट, मींस 2021 and 22 बैच के लिए है, जुलाई सेशन के लिए, फाइन। सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर लंच ब्रेक भी दिया गया है, पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया गया है, 2 पेज का PDF है। एंड मैं आपको बता दूं, ये भी बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट दिया गया है, तो जितने भी बैंगलोर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका ये प्रोग्राम है, देन सभी स्टूडेंट इस लिस्ट को चेक जरूर करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि अगर आपका प्रोग्राम MAPC का है, देन आपके लिए नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं MAPC लर्नर्स फॉर द MISSED मींस मिस्ड आउट या फिर बैक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, देन आपको यहाँ पर बताया गया है MAPC प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड वाइवा फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर MAPC लर्नर फॉर द मिस्ड आउट या फिर बैकलॉग स्टूडेंट्स फॉर द 2021 जनवरी और अर्लियर बैचेस, द फर्स्ट ईयर एंड जनवरी 2020 बैचेज ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ और अर्लियर बैचेज, मीन्स इन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताया गया है, सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी आपको बताया गया है, कम्युनिकेशन भी आपको बताया गया है। सो जितने भी स्टूडेंट्स का ये प्रोग्राम होगा और उनका हैदराबाद रीजनल सेंटर है, बिकॉज ये हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट दिया गया है, देन सभी स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है, अगर आपका प्रोग्राम MLIS का है, देन आपके लिए शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के लिए रिलीज किया गया है लॉट 2, ठीक है, लॉट 2, राइट, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर रहा। यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट्स का नाम मेंशन किया गया है, जो कि लंबा सा PDF है, टोटल 15 पेज का, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स 611 स्टूडेंट्स है जो कि एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट दिया गया है, तो जितने भी दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका MLIS का प्रोग्राम है और उनका ये सब कोर्स कोड है, देन सभी स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कर ले। गूगल मीट लिंक के थ्रू आपका ये एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, यही सब था आज का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल पाए। अगर कोई आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।